So hey guys, welcome back on my YouTube channel of Gynae Lecture by Tarani Goswami. So here I am, third year BHMS medical student और आज मैं आपके साथ अपने notes share करने वाली हूँ. आज इस video में हम बात करेंगे Morula के बारे में. So अगर आपको इसकी basic information चाहिए so be stick to this video because इस video को end होते ही आपको समझ आ जाएगा कि Morula होता क्या है. So let's get start. As we already discussed in the previous video about the fertilization, how fertilization takes place and where fertilization takes place. So वो सब हमने discuss कर लिया. आज हम बात करेंगे Morula के बारे में, Morula किस तरीके से बनता है. तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेल प्रो न्यूक्लियाई और फीमेल प्रो न्यूक्लियाई से बन जाता है जाइगोट. अब जाइगोट बन गया तो जाइगोट में होता है माइटोटिक डिवीजन. जब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गया उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, दैट इज द Morula. सो नाउ क्लीवेज स्टार्ट. Morula में क्या होता है, आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर 30 घंटे ऑफ फर्टिलाइजेशन टू सेल स्टेज आती है. वो टू सेल स्टेज क्या होती है, जिसमें दो ऐसे ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं. नाउ ये जो ब्लास्टोमियर है ये डिवाइड होता है बाय द बाइनरी फिजन थ्रू 4, 8, 16 सेल स्टेज बनती है. अंटिल अ क्लस्टर ऑफ सेल इज फॉर्म्ड, जब तक कि एक क्लस्टर नहीं बन जाता सेल का, मतलब कि 4, 8, 16 इस तरीके से वो डिवाइड होता रहता है. सो उसको हम कहते हैं Morula. और Morula इज लाइक मलबेरी, जैसे मलबेरी होती है तो आपको कैसे याद रहेगा, एम से Morula, एम से मलबेरी. तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए और आपको याद भी रहेगा कि Morula में क्लस्टर्स ऑफ सेल होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं. नाउ Morula आफ्टर स्पेंडिंग 3 डेज इन दी फैलोपियन ट्यूब, जब Morula ने अपने 3 दिन फैलोपियन ट्यूब के अंदर बिता लिए तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, एंटर इन टू द यूट्राइन कैविटी. नाउ इट एंटर इन टू द यूट्राइन कैविटी और एट द 4th डे. तो नाउ उसकी सेल स्टेज क्या रहती है, 16 to 64 सेल स्टेज में. ओके सो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, दिस इज द आउटर सेल मास, दिस इज द इनर सेल मास. जो इनर सेल मास है वो बनाता है एम्ब्रियो और जो आउटर सेल मास है वो बनाता है प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि होती है टोटल 4. 4 कौन कौन सी होती हैं, एमनियन, कोरियन, योक सैक और एलेंटॉइस. ये 4 प्रोटेक्टिव लेयर्स बनती हैं. सो आई थिंक Morula आपको समझ में आएगा. नहीं समझ में आया है तो एक बार कर लेते हैं क्विक रिविजन, उसके बाद तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा. देखो सबसे पहले क्या होता है, जब मेल प्रो न्यूक्लिया और फीमेल प्रो न्यूक्लिया दोनों मिलते हैं तो उससे बनता है जाइगोट, और जाइगोट के बाद होता है उसमें माइटोटिक डिविजन. सो आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन टू सेल स्टेज बनती है, जिसमें दो ब्लास्टोमियर बन जाते हैं और उसके बाद इन ब्लास्टोमियर्स में होता है बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन से बनते हैं ये स्टेज 4, 8, 16 सेल स्टेज बनती है और उसको हम कहते हैं Morula, जो कि रिजेंबल करता है विद द मलबेरी. 3 दिन तक फेलोपियन ट्यूब में रहने के बाद वो एंटर कर जाता है इनटू द यूट्राइन कैविटी एट 4th डे और वहां पर उसकी जो स्टेज होती है वो है 16 to 64 सेल स्टेज. आई थिंक आपको Morula का बेसिक क्लियर हो गया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं ऑब्जाइनी से रिलेटेड, तो आप सारे चेक कर सकते हैं इन माय वीडियो सेक्शन. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.